वैसे जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा है ये। बाथरूम। यहाँ पे कोई फुटबॉल मैच चल रहा है। वाह, और ये बैक लीग, एक्सप्लेन कि जर्मन में बैक लीग बोलते हैं, इसका मतलब कि आपको आपके रूम से पूरी मतलब माउंटेन वगैरह दिख रहा है। तो हमने बैक लीग वाला रूम बुक करा था अपना। पहले आज तक आपने मेरी वॉइस सुनी है कैमरे के पीछे से, और फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देखेंगे फेस टू फेस। एंड हम यहाँ पे 2 दिन रहने वाले हैं, और मैं पूरे 2 दिन की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा ब्लॉग, आई होप लेट्स एंजॉय। तो मैं जा रही हूँ आज पहली बार अपने चैनल यूट्यूब पे आपको अपनी फैमिली से मिलाने। हमारी छोटी सी यहाँ पे स्विट्जरलैंड में फैमिली है, और हम उनके साथ यहाँ आए हैं। मैं कल आज 26 है, और कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो उसी की सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ पर आए। और आज मैं कौन से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, चलते हम दूसरे रूम में। अरे ये रूम लॉक कर लेते हैं। इस बच्चे को क्या हो गया है? हेलो हेलो, दिस इज यूनस, से समथिंग। नाइन पिते या दिस इज शूनन पूपे, और दिस इज उनसर इज शूनन ओपा साख। हेलो हेलो, और दिस इज बर्थडे बॉय फॉर टुमारो। जिनका कल बर्थडे, और कितने साल के होने वाले हो तुम ये तो बता दो। ये अब अंकल हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। और ये हमारे पीछे का व्यू, यहाँ थोड़ा सा बालकनी का व्यू है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये यहाँ की स्पेशल विस्की है, कैसे काफ़ी सुंदर है होटल भी, जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा। तो हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से सामान निकालने के लिए।
हमने अभी से पार्क करा था और फिर सामान थोड़ा सा घूम कर हम व्यू चेक कर लेते हैं रेस्टोरेंट का शाम के खाने के लिए, डिनर के लिए। और मैंने कुछ पूछा यहाँ पे, मुझे लगा कुछ समथिंग स्पेशल हो जाएगा बट वो नहीं पाया। मुझे धीरे बोलना पड़ेगा, पता नहीं आपको आवाज़ जाएगी नहीं जाएगी। कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, शायद मैं पहले भी बता चुकी होंगी, सॉरी। तो कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और हम उसी के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वैसे मैंने पता कराया कुछ स्पेशल हो सकता हो तो शायद, बट इन मुश्किल है, बट इट्स ओके। मैं अपने तरफ से गिफ्ट लेके आई हूँ और ये ट्रिप भी मेरी तरफ से गिफ्ट ही है। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। सामान निकाल लिया है बाहर और अब हम जा रहे हैं वापस रूम में, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर हम उसके बाद वॉक पे निकलेंगे। आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक है, एटलीस्ट कम से कम बारिश तो नहीं हो रही है, ये चीज़ अच्छी है। अब हम दोपहर का खाना खाने के लिए आए हैं। बहुत तेज धूप लगी है, तो मैंने अपने लिए सैलेड चूज करा है और हमारे इन्होंने भी सैलेड चूज करा है और हमारे शिवा तो हमारे बर्थडे बॉय ने सूप चूज करा है। और थोड़ी देर में हमारा खाना आने वाला है। बहुत भूख लगी है, बहुत जोरों से सच में, क्योंकि हम मॉर्निंग में आज से ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद हम 2 बजे घर से निकल गए थे और यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट पहले। तो आई होप, देखते हैं खाना टेस्टी होगा या नहीं। डिलीशियस लग रहा है हमारा खाना। तो हम जा रहे हैं बाहर। ये है बटर बनाने की मशीन जो पुराने जमाने में बनाई जाती थी। हम जा रहे हैं बाहर और यहाँ पे मौसम चेंज हो चुका है, जैसा कि हमेशा ही होता है सरप्राइजिंगली, तो इसलिए एक जैकेट की ठंड है यहाँ पे और हमने जैकेट पहनी है। Das sind Herbstzeitlosen, die sind giftig. Okay. Das sind giftige Pflanzen. Dann wenn man isst, dann ist gestorben. Wie? Wenn man diese Blumen isst, dann gestorben. Ich weiß nicht, ob man gerade stirbt, aber du kriegst mal sicher Bauchweh und musst kotzen und. So, ये हमें बता रहे थे, जो ये फ्लावर आपको दिख रहे हैं ब्लू, इनमें जहर होता है, तो इनको खाने से मरेंगे नहीं मरेंगे ये पता नहीं, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो हमारा होटल था और अब हम जा रहे हैं वॉक करने। तो या कुछ नया मिला तो ये तो फिर आओ। हेलो, नहीं
यहाँ की ये चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप किसी से मिलते हैं और उनसे हेलो हाय करते हैं तो वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और मतलब ऐसा बिहेव नहीं करते कि आप किसी अनर्थ मतलब पहली बार मिल रहे हैं। आप जब भी किसी से यहाँ से मिलेंगे हेलो बोलेंगे तो वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हाँ जैसे हम एक दूसरे के टाइम से जानते हो। कितना सुंदर गार्डन है या इससे उन फील आर बाइट या तो ये बहुत ही मतलब यहाँ का बेसिकली अपन सेलर घर होता है जो कि यहाँ पहले टाइम में होते थे। ये वो है गिरा दे उधर या शाओन तो हम आपको यहाँ पे अपन सेलर का या स्टेशन अपन सेलर का मतलब विलेज दिखा देखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। कितना Und das ist auch typisch für Schweiz. Hier, komm mal, das sind Holzschilder. तो हम देखते हैं स्विट्जरलैंड की स्पेश मतलब ये das sind lauter kleine Holzplättchen, die werden da hingenagelt. Das sind Holzschindeln, sagt man denen. Schön. तो ये यहाँ पे स्विट्जरलैंड में ट्रेडिशनल मतलब कि पहले जो घर होते थे वो उसी टाइप से होते थे और यहाँ पे ऐसी पुरानी चीज़ देखने को बहुत मिलेगी आपको। ये है स्टेशन अपनसेलर बाहनहोफ ट्रेन स्टेशन और आप जितने भी यहाँ पे घर देख रहे हैं वो मोस्टली काफ़ी पुराने हैं ओल्ड टाइम। तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं हर चीज़ आपको दिखाऊँगी तो कम से कम 4-5 घंटे की वीडियो होगी, बट मैं ट्राई करूँगी शॉर्ट वीडियो क्लिप करने की और उसमें आप सारी चीज़ें देख पाएँ जो भी हम करने वाले। तो अभी बहुत ही अच्छा व्यू है, आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखिए कितने सुंदर घर है। ये कौन सी जिमी की बात कर रहे हैं, मैं अभी देखूं। ओह तो ये हमारे हस्बैंड की फेवरेट कार है, सॉरी ये वाली, इट्स मीन फ्यूचर कार। सरप्राइज, ये पूरी कार नहीं दिख रही है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है तो ये हो सकती है हमारी फ्यूचर कार। ये घंटे भी बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। मैं आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ कैमरा घुमा के। पेट und Arbeit heißen sie, जो हमारे ऊपर पढ़ के सुना रहे हैं। So Herberg hier. Und was ist Bedeutung? So Herberg hier für kurze Zeit die Heimat. जो हमारे डायलॉग होते हैं ना, ये उसी हिसाब से लिखो। Bei Leben zwischen Brechen, Geben und Arbeit. Ja,
डायलॉग सुनो इसका मतलब बता देती हूँ कि अगर आप मतलब पेशेंस रखेंगे, सब्र करेंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छी चीज़ें मिलेंगी। Nein, ist keine Galt. Und das ist eine Form zum Appenzeller Stierkopf machen. Kunstgießerei, ja, siehst du, die wird gegossen. Schau mal, da kannst du das Gürtel kaufen. Lauter Kühen drauf. आप बेल्ट खरीद सकते हैं यहाँ से। यहाँ के ट्रेडिशनल पुरानी बेल्ट हैं जो यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ पहनी जाती हैं। अब ये हम आ गए हैं सेंटर में और ये जितने भी आपने कार्टून देखे हैं उनके डॉल्स हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप भी थोड़ी सी मेहनत करके मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी। तो यहाँ बवारिया की ट्रेडिशनल बियर मिलती है। Nochmal. Namaste. 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 When you last when Matra and when have you in Monu? स्टॉप कर रही हूँ। एटवस सागन लेस्ते वीडियो और दशलाफर तानी शिवा थक चुके हैं और हम जा रहे हैं खाना खाने और उसके बाद फिर ख़त्म आज का दिन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तुम साग सागन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉलो गो अवे फ्रॉम हियर दिस पेज। नो नो पेज इज हॉरिबल। ओके बाय बाय चाओ चाओ।